नेक्स्ट नाइन न्यूज लेकर आए हैं हम फिल्म केदारनाथ के पब्लिक रिएक्शन के साथ ये पूरी झलक फैंस के रिएक्शन की, किस तरह से सारा अली खान बचो रही है लाइमलाइट, सारा ने किस तरह से हर किसी के दिलों पर अपना जादू चलाया है, कैसे फैंस सारा की तारीफ करने से नहीं रुक रहे हैं, तो किसी ने आउट ऑफ 5 3 रेटिंग दी है इस फिल्म को, तो किसी ने 2.5, तो किसी ने 5 out of 5 दिया है इस फिल्म को सिर्फ और सिर्फ सारा अली खान की वजह से। सुशांत की हुई है तारीफ, लेकिन डायरेक्टर से की गई थी कुछ और भी उम्मीदें, बल्कि इस तरह से सारा को किसी ने ओवर एक्टिंग तो कहा लेकिन उनकी तारीफ भी की। सैफ अली खान से कैसे हुई है सारा अली खान की टक्कर को लेकर बातें, आइए हम आपको सुनाते हैं फिल्म केदारनाथ के पब्लिक रिएक्शन में फैंस की वो बातें जो फिल्म देखने की तुरंत बाद रिएक्शन देते हुए सारा की जमकर तारीफ करते नजर आए। फिल्म केदारनाथ का पब्लिक रिएक्शन आखिरकार सामने आ चुका है। बिना देर किए चलिए आपको सुनाते हैं सारा अली खान ने कैसे ही डेब्यू मूवी के साथ अपने पिता सैफ को टक्कर दी है। ये बातें उनके फैंस कर रहे हैं, तो वहीं उनके डेब्यू मूवी को जबरदस्त बता रहे हैं। कितना ज्यादा जबरदस्त है फैंस का रिएक्शन फिल्म में सारा की डेब्यू एक्टिंग को लेकर, आइए हम आपको सुनाते हैं। तो वहीं सुशांत से लेकर डायरेक्टर अभिषेक कपूर को लेकर, फिल्म की कहानी को लेकर क्या क्या कहा है दर्शकों ने, आइए हम आपको सुनाते हैं। I must commend Sara Ali Khan's acting, amazing. What about Sushant Singh Rajput? Like Sushant was good, but Sara steals the show. Very first film, and so warm, so much of warmth. I think she's headed a long way. Out of 5 stars? Yes, I would, especially for Sara Ali Khan's acting, which has been unique. The film is also good. You know, they have kept it tight. They have kept it up to 2 hours, which was good. And I would give it almost 4.5 stars out of 5. Thank you. कितना बांध कर रखा है नेक्स्ट क्या? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अच्छी करी उसने भी, लेकिन सारा बहुत अच्छी लगी। कोई गाना पसंद है आपको? गाना सिर्फ दो ही गाने उसके अंदर, एक होती क्या और वो स्वीट हार्ट वाला। ओके ओके, कितने स्टार दोगे आप? 5 में से पूरे 5 दूंगी मैं, वो भी सारा की वजह से। सारा की, ओके, थैंक यू एंड गुड लक। आई थिंक आई लव्ड द मूवी। एज फार एज सारा अली खान इज कंसर्न, आई थिंक फॉर द इंडस्ट्री शी इज़ लाइक अ गिफ्ट। शी विल गोइंग टू टेक द इंडस्ट्री बाय स्टॉर्म, बिकॉज यू नो इट्स 7th ऑफ दिसंबर टुडे। बाय द टाइम पीपल विल गोइंग टू गेट ओवर दिस इफेक्ट, 28th ऑफ दिसंबर सिम्बा विल गोइंग टू रिलीज अनदर मूवी ऑफ सारा अली खान। सो आई थिंक इन न्यू एज एक्टर्स, वट एवर न्यू एक्टर्स हैव कम इन, लाइक इफ यू टॉक अबाउट सान्या मल्होत्रा और जानवी कपूर, सुपर। आई मीन सुशांत सिंह राजपूत एंड अभिषेक कपूर एज अ डुओ, आई मीन काई पोछे लाइक 5 years बैक दे डिड एक्सेलेंट, एंड सिमिलरली दिस इज वॉट यू कैन एक्जैक्टली इवन सी इन दिस पर्टिकुलर मूवी एज वेल, दैट सुशांत सिंह इज एबल टू ब्रिंग दैट रॉ एक्टिंग, वेरी गुड। स्टोरी लाइन वाइज कैसी है? केदारनाथ का जो प्रलय आया था उसके ऊपर कहानी दिखाई गई है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं जब मूवी देखने आया था मुझे लगा था कि मोरली इट विल बी अ फोकस ऑन दी ट्रेजेडी एंड द डिजास्टर विच हैपेंड, बट आई थिंक मूवी इज मोर अबाउट द लव स्टोरी, मगर उसे बहुत अच्छा होल्ड किया है। जनरली यू नो एवरी सेकेंड मूवी इज अ लव स्टोरी, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली कम अप विद समथिंग न्यू, बट इन दिस वन दे हैव बीन एबल टू होल्ड इट वेरी वेल, एंड आई थिंक फुल क्रेडिट गोज टू सारा अली खान फॉर बीइंग इन इवन इन द फर्स्ट मूवी शी हैज बीन एबल टू डू वेरी वेल। एनी सॉन्ग यू लाइक इन द मूवी? नो, नॉट एनी सच इन टर्म्स ऑफ सॉन्ग, बट यू नो ओवरऑल इफ यू टॉक अबाउट द जेस्ट ऑफ द लव स्टोरी, इट्स प्रीटी इमोशनल एंड वेरी रियलिस्टिक। आउट ऑफ 5 स्टार? 3.5। बहुत बढ़िया, लाजवाब फिल्म है। बहुत दिनों के बाद इतनी अच्छी हिंदी फिल्म देखने को मिली है। इट्स अ कम बहुत ही बढ़िया एक्टिंग है और एकदम रिमाइंड करती हैं वो अमृता सिंह के बारे में, और जिस तरह का उनका रोल है उस तरह की उनकी खुद की पर्सनालिटी है, क्योंकि वो एक जैसी है तो बहुत अच्छी लगी है। स्टोरी में कितना दम है आपके अनुसार की? आपको बहुत 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 अच्छी फिल्म, बहुत दिनों के बाद एक अच्छी कंप्लीट हिंदी फिल्म जिसके अंदर कंप्लीट अच्छा म्यूजिक, और आई रियली विश एंड शी इज अ स्टार बॉर्न। सुशांत सिंह राजपूत के बहुत अच्छा, बहुत ही जिसको कहते हैं रिलायबल एक्टर बन गए हैं वो, बहुत रियल लगते हैं, जो एक लोअर मिडिल क्लास एक वर्कर की जो भूमिका उन्होंने निभाई है, उनका फेस बहुत ही ऑनेस्ट फेस है, और उस हिसाब से उन्होंने कैरेक्टर में जान डाल दी है। आई थिंक द स्पेशल इफेक्ट्स आर अ लिटिल नॉट सो रियल, except for that I wish they were a little better than that, otherwise the movie is amazing. I would recommend it 5 out of 5. bahut achhi movie hai, har cheez acche se dikhai gayi hai, acting bahut achhi hai, dialogue delivery
songs are apt. ठीक है ज़्यादा नहीं है and everybody should watch it. And सारा अली का डेब्यू है. And bang their colleges. One by one हम आपके पास आ रहे हैं. सारा अली का डेब्यू है तो उनके बारे में क्या? सारा has set a level I think to the Saif Ali Khan thing and बहुत अच्छा डांस एक्टिंग एक्सप्रेशन डायलॉग एवरीथिंग परफेक्ट शी सेट अ लेवल. आप क्या बोल रहे सर? केदारनाथ गुड शो वन टाइम वॉच मे बी वेरी गुड. सारा अली खान का डेब्यू है तो उनकी एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? डेब्यू क्या पता नहीं चल रहा. डेब्यू है इज डॉटर ऑफ सैफ अली खान. तो सैफ अली खान इज ए ग्रेट एक्टर ब्लड में है तो पता नहीं चल रहा डेब्यू है तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने. एक्टिंग राजपूत की एक्टिंग कितनी पसंद है? He's always good. MS Dhoni के बाद इट्स ए बिग हिट. इट्स गोइंग टू बी बिग हिट. डायरेक्शन और सॉन्ग्स की बात करें तो उसमें क्या सर? सॉन्ग्स माइंड ब्लोइंग है. बहुत अच्छा दो तीन सॉन्ग है खासकर स्वीट हार्ट वो वाला गाना अच्छा लगा सबसे. पैसा वसूल मूवी आपके लिए? वन टाइम वॉच मूवी है प्लीज देखिए आगे. आउट ऑफ फाइव इट्स फोर. आउट ऑफ फोर. कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी फिल्म सारा. ऑसम गुड. पूरी फिल्म में सारा अली खान ही दिख रही हैं. एंड दूसरी बात की जाए तो फिल्म के क्लाइमेक्स बहुत अच्छे हैं. इसके विजुअल इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं. साउंड्स अच्छे हैं. इसको जिस तरीके से सिनेमेटोग्राफी जिसके जो एक तरीके से जो दर्शाना था वो अच्छा दिखाया लास्ट के. और फिल्म सुशांत तो ऑसम अच्छा लगा. उनका भी एक्टिंग मतलब काफ़ी हद तक अच्छा लगा. बस सारा पूरी फिल्म में सारा ही दिख रही है. स्टोरी में देखा जाए स्टोरी में दम बिल्कुल था. बट जो इस तरीके से अगर ये और भी अच्छे तरीके से मतलब अभिषेक कपूर जी ने मतलब और चाहते और अच्छे से इसमें दर्शा सकते थे. फिल्माने में थोड़ा सा इसमें कहीं थोड़ा मुझे कम लगा. क्या कम लगा आपके अनुसार? कम ये लगा कि मोरल ऑफ द स्टोरी जो प्रलय आया और ये सब चीज़ें जो तो प्यार और जो भी कुछ दिखाया मतलब ये काफ़ी जो थीम था मेन बेसिक जो इसका बेस था फिल्म का वो काफ़ी डिले रहा. आउट ऑफ फाइव टू फोर. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छी मूवी है. वेरी ब्यूटीफुली अडॉप्टेड एंड स्पेशली आई रियली लव द स्क्रीन प्ले. बहुत बेहतरीन मूवी है. सारा अली खान की एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनकी एक्टिंग कितनी पसंद आई? फर्स्ट हाफ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा एक्टिंग वाइज. आई फेल्ट इट वाज लिटिल काइंड ऑफ ओवर एक्टिंग. बट सेकंड हाफ शी डिड इट वेल. स्पेशली द इमोशनल पार्ट वाज गुड. सुशांत सिंह राजपूत ही इज ऑब्वियसली इज अ गुड एक्टर सो नो डाउट अबाउट इट. एंड स्टोरी लाइन स्क्रिप्ट की मैं बात करूँ तो कितना स्ट्रॉन्ग था आपके लिए? डायरेक्शन कितना बांध कर रखता है आपको? आई फेल इट वॉज लिटिल मोर थोड़ा सा ज़्यादा ओवर दिखाया गया. बट अदरवाइज इट वॉज डायरेक्टेड वेरी वेल. बट आई फेल इट वॉज लिटिल टू मच. मतलब केमिस्ट्री इज वेरी गुड. वेरी नाइस केमिस्ट्री. आफ्टर वॉचिंग दिस व्हाट डू यू वांट सारा एंड जानवी? ओके आई थिंक दोनों अपनी अपनी जगह बेहतरीन अदाकारा है. जानवी इज गुड इन हर प्लेस एंड सारा इज गुड इन हर प्लेस. But if it's about choosing, then I guess Janvi is like better. Any song you like in the movie? Sweetheart is nice. Yeah, that's a little bit peppy. That's so good. Did you think it's a full paisa vasool movie? Aap return bhi aake dekhne wale? No, I don't think so. That I'll come for the next time. But one time watch. Out of 5 stars? 2.5, 3. Thank you. इसलिए आपको केदारनाथ? अच्छी मूवी है. सारा अली खान की. उसका काम भी अच्छा है. सारा अली खान का डेब्यू है तो उनकी एक्टिंग अच्छी लगी आपको? अच्छी लगी. अमृता सिंह की कार्बन कॉपी है. एंड सुशांत सिंह राजपूत? वो भी अच्छा है. और डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है. अच्छा लगा वो जो जय प्रलय आया था, जय प्रलय 2013 का, उसके सीन काफ़ी अच्छे हैं. एंड स्टोरी आपको कितना बांध कर रखती है? डायरेक्शन कितना बांध कर रखता है आपको? दोनों अच्छा है. स्टोरी और डायरेक्शन बांध के रखता है. कोई गाना पसंद है आपको? एक नाराजगी वाला जो गाना है वो अच्छा है. पाँच में से कितने स्टार देंगे आप? 3.5. थैंक यू. चलो कैसी लगी आपको फिल्म केदारनाथ? फिल्म अच्छी है. फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो लगा मुझे, बाकी सेकंड हाफ ठीक है. ओके एंड सारा अली का डेब्यू है इस मूवी से तो उनकी एक्टिंग के बारे में बताइए, कैसी लगी आपको? हाँ, एक्टिंग तो काफ़ी अच्छी है और उनका रोना बहुत अच्छा लगा मुझे. जब रोने की एक्टिंग वो कर रही थी तो बहुत अच्छे से कर रही थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. और केमिस्ट्री दोनों की ठीक है. और आई थिंक मुझे लगता है कि सारा भी अच्छा काम करेंगे आगे नेक्स्ट में. सुशांत सिंह राजपूत के बारे में क्या कहना? उनकी एक्टिंग कैसे लगी? एक्टिंग तो वो अच्छी करते ही हैं, बस थोड़े से पतले ज़्यादा हो गए हैं.
स्टोरी की अगर मैं बात करूँ और डायरेक्शन की बात करूँ कि नेक्स्ट क्या होने वाला, कितना बांध कर रखता है आपने? सेकेंड हाफ काफ़ी बांध के रखता है, फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो लगा मुझे, बाकी स्क्रीन प्ले काफ़ी अच्छा था, डायलॉग्स भी ठीक थे, आई थिंक मूवी चलेगी थोड़ी। आउट ऑफ 5 स्टार कितने देंगे? 4। थैंक यू। कैसे लगी आपको फिल्म केदार? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, वेरी नाइस। इस मूवी से काफ़ी उम्मीद थी क्योंकि इससे पहले अभिषेक कपूर ने रॉक ऑन और कायपोची मूवी बनाई थी, तो काफ़ी उम्मीद थी और वो उम्मीद पे खड़े उतरे क्योंकि उत्तराखंड फ्लड्स के ऊपर यू नो ये पहली मूवी है, और इवन दो द स्टोरी वाज प्रेडिक्टेबल क्लाइमेक्स बहुत ही थ्रिलिंग था, तो बहुत मज़ा आया देख के। सारा अली का डेब्यू है तो उनकी एक्टिंग कितनी पसंद आई? बहुत अच्छी है, डजंट सीम लाइक इट्स अ फर्स्ट मूवी, पहली मूवी में इतना अच्छा किरदार उन्होंने प्ले किया, आई थिंक शी इज़ वेरी लकी। और वो खुद भी यू नो इतनी रिजेंबलेंस है अमृता सिंह ऑफकोर्स उनकी मदर और सैफ अली खान का जो क्लास है और टैलेंट है, तो दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और उन्होंने अपने रोल को इतनी बखूबी निभाया कि लगा नहीं कि उनकी पहली मूवी है। बहुत ही पूरी मूवी इवन उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को भी ओवरशैडो कर दिया, इतना अच्छा उन्होंने अपना किरदार निभाया। सुशांत सिंह राजपूत में काफ़ी ठहराव आ गया पहले से, जैसे कायपोछे में थे या MS धोनी में, और उससे भी बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी आ गया और ठहराव आ गया, तो वो अच्छा लगा देख के। तो उनका भी ही ऑल्सो डिलीवर्ड अ वेरी फाइन परफॉर्मेंस, बट सारा अली खान आई थिंक शी इज़ द स्टार ऑफ दिस फिल्म, पूरी फिल्म में शी इज़ सो इम्प्रेसिव कि आप बस देखते रह जाएंगे। आपने अभिषेक कपूर की बात की तो मैं जानना चाहूँगा दोनों की केमिस्ट्री को किस तरह से दिखाया, केमिस्ट्री आपको कितनी पसंद आई और डायरेक्शन आपको कितना अच्छा लगा? केमिस्ट्री बहुत अच्छी है दोनों की, इनफैक्ट पहले लगा था कि यू नो शायद अजीब लगेगी, बट जब मूवी में देखा तो दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, मूवी का जो म्यूज़िक है सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है तुषार रे की, एडिटिंग बहुत अच्छी है चंदन अरोड़ा की, तो हर एस्पेक्ट मूवी का, इट्स नॉट जस्ट द स्टोरी, म्यूजिक परफॉर्मेंसेस, केमिस्ट्री बिटवीन द लीड एक्टर्स, एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस एंड दैट इज व्हाई इट स्ट्राइक्स अ कॉर्ड विद द ऑडियंस। वेल ये था हमारा आज का शो पब्लिक रिएक्शन फिल्म केदारनाथ को लेकर। आज ये फिल्म रिलीज हुई है, फिल्म क्रिटिक्स के लिए काफी ज्यादा बेहतर उम्मीदों की फिल्म थी, लेकिन हाँ फिल्म के टाइटल से लेकर अगर कहानी की बात की जाए तो मिसमैच से लगती है कहानी। फिल्म को लेकर ये भी बातें हुई है कि अधूरी सी है इसकी एंडिंग, लेकिन फैंस ने सारा अली खान को उनकी डेब्यू को बेहतर बताया है, जबरदस्त बताया है, ऐसे में उम्मीद है कि सिम्बा उनकी मूवी और भी बेहतर निकले। फिलहाल वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का, तो यही फिल्म केदारनाथ के पब्लिक रिएक्शन के साथ लेते हैं आप सभी से विदा, लौटेंगे फिर से बॉलीवुड से जुड़ी नई लेटेस्ट खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहें आप हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।